आइए अब देखते हैं इशू ऑफ शेयर एक्ट पर और कौन से मेथड पे इंस्टॉलमेंट पे ओके इशू ऑफ शेयर्स शेयर्स ठीक है इशू ऑफ शेयर अभी तक हम लोगों ने बात किया था लमसम पे अब बात करते हैं किस पे इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट में व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट इशू ऑफ शेयर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है जब कोई कंपनी एक ही अमाउंट को कई पार्ट में ले रही है पार्ट का मतलब कि कोई भी शेयर जितने भी पार्ट में डिवाइडेड हो गए तो ईच पार्ट क्या होगी वो इंस्टॉलमेंट होगी ओके अब आते हैं देखते हैं इंस्टॉलमेंट की कंडीशन में इंस्टॉलमेंट की कंडीशन में फर्स्ट कौन सा है एट पार यानी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो दो टाइप से कर सकती है एक एट पार पे और दूसरा किस पे एट प्रीमियम पे तो पहले हम बात करते हैं एट पार मींस होता क्या है इशू ऑफ शेयर इन द केस ऑफ व्हेन कंपनी इशूड शेयर एट पार तो होता क्या है इशू ऑफ शेयर एट पार मींस शेयर हैव बीन इशूड एट देयर नॉमिनल फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इशू प्राइस एंड नॉमिनल वैल्यू आर सेम यानी जो प्राइस होती है वो और जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है दोनों क्या होती है सेम होती है यानी इशू ऑफ शेयर में पहला लेंगे हम लोग एट पार इंस्टॉलमेंट में यानी कंपनी का जो फेस वैल्यू है और इशू प्राइस है दोनों क्या है सेम है यानी फेस वैल्यू कितना है ये क्या होगी इसकी फेस वैल्यू एंड ये क्या होगी इशू ठीक है इशू वैल्यू जो होती है या इशू प्राइस होती है जिसे कहते हैं इशू प्राइस दोनों क्या होती है यानी जो फेस वैल्यू है कंपनी की जो भी फेस वैल्यू होगी और इशू प्राइस होगी वो क्या है आपकी सेम हो रही है ओके या जिसे हम लोग नॉमिनल वैल्यू कहते हैं दोनों सेम है तो उसको ऐसी कंडीशन में जब भी आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एट पार अब एट पार में कौन कौन सी जनरल एंटिटीज होती हैं और कैसे होती हैं वो देखते हैं ओके अब देखते हैं कि यहाँ पे एट पार में आता कैसे है सपोज कीजिए कोई भी कंपनी है कंपनी का एक शेयर है कितने का 2 रुपीज का है जब उसे कंपनी ने इसको जब डिवाइड किया है पहला 2, 3, 2 and 3 यानी ईच पार्ट क्या हो गई कंपनी की वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट हो गए ओके ईच इंस्टॉलमेंट हो गया तो जब सबका इंस्टॉलमेंट हो गया तो इसके इंस्टॉलमेंट को एक एक सबका एक एक नाम भी है ओके पहला कब होता है When application money received, यानी जब कंपनी ने prospectus offer किया prospectus issue की तब का जिसको जिसको शेयर लेना था उन्होंने क्या किया अप्लाई किया किसके साथ application के फिलअप किया और application फिलअप करके किसको भेजा वो कंपनी को तो इन द केस इन द बुक्स ऑफ कंपनी में कौन कौन सी एंट्री होगी जब पहली एंट्री होगी वो क्या होगा जब application की अमाउंट रिसीव होती है तो जनरल एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन यानी कंपनी को एप्लीकेशन मिला किसका कंपनी को एप्लीकेशन मिल रही है तो उसके कंपनी के हिसाब से क्या हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नेशन क्या हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ओके जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई अब कंपनी को जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो कंपनी इसको कंपनी से इशू क्यों किया था शेयर कंपनी को क्या चाहिए था फंड चाहिए था यानी फाइनेंस चाहिए था उसको तो वो फाइनेंस जो किस एप्लीकेशन के वे आई उसको कहां ट्रांसफर करती है कंपनी कैप करने तो जो सेकेंड एंट्री हो गई
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन मिला और एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफर कहां करनी है कंपनी, शेयर कैपिटल में। तो नाइसन क्या हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर कर रही है, कहां पे, कैपिटल पे, ट्रांसफर टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ओके। तो जब कंपनी को पहला मिला जिसको उन्होंने क्या कहा, एप्लीकेशन, ओके। जब कंपनी को एप्लीकेशन मिली तो कंपनी के पास तो पैसा आया, कैपिटल ट्रांसफर कर दी। अब कंपनी क्या कर रही है, उन्हीं शेयर जो पैसा मिला जितने शेयर का उसको क्या कर रही है, अलॉट कर रही है। अलॉट कर रही है किसको, शेयर होल्डर को। तो जो सेकेंड को हम लोगों ने कहा उसको वो क्या आ गया, वो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, ओके। जब अलॉटमेंट में करेगी तो कंपनी अपने यहां पे क्या एंट्री करती है, तब कंपनी के यहां पे अब थर्ड एंट्री क्या हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब कंपनी जितने भी एप्लीकेशन मिला, आप कंपनी को इस टाइम पे कंपनी को मालूम है कि कितने कितने शेयर होल्डर ने उसके लिए कितने शेयर के लिए अप्लाई किया और किस शेयर होल्डर का क्या एड्रेस है, ठीक। अब तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है, शेयर अलॉट कर रही है। तो कंपनी के यहाँ पर जन एंट्री हो गया क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। कंपनी ने इस एंट्री क्यों किया, अलॉटमेंट की मनी को क्या कर रही है, ड्यू कर रही है कि कितना अलॉटमेंट में कंपनी को पैसा चाहिए, ओके। अब कंपनी को जब पैसा मिलता है तो फोर्थ एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा जब मिला तो कंपनी के बैंक अकाउंट में आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ओके। जब कंपनी का अलॉटमेंट मिला, ड्यू किया, जब ड्यू करने के बाद कंपनी को क्या हो रही है, अलॉटमेंट की मनी रिसीव हुई, तो जनरेटिव हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ओके। अब कंपनी क्या कर रही है कि अभी भी कंपनी के पास तो जो 10 रुपीस में सर तक मिला कितना, 2+3 5 रुपीस तक मिला, अभी भी कंपनी को पैसा चाहिए रिमेनिंग। तो अब इसके बाद जब भी कंपनी कॉल कर रही है, किसको कॉल करती है, शेयर होल्डर को, कि रिमेनिंग अमाउंट और भेजो। तो इसके लिए पहला जो अब इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, इसको कहते हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। और जो इसके बाद आएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी लास्ट में आती है उसके साथ क्या जुड़ सकती है, वो फाइनल कॉल, यानी सेकंड। अब उसके बाद ये क्या जाएगा, सेकंड एंड फाइनल, ठीक है। अब देखिए, तो अब कंपनी ने अलॉटमेंट रिसीव की थी, अलॉटमेंट की मनी। अब आते हैं, अब कंपनी के यहां पे नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, किसकी होगी, फर्स्ट कॉल की, ओके। तो फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
to share capital. Capital being first call money due. कंपनी ने फर्स्ट कॉल की मनी क्या की ड्यू किया ओके और जब फर्स्ट कॉल की मनी जब ड्यू कर दी है तब जब रिसीव करेगी तो सिक्स एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव अब जो कंपनी को फर्स्ट कॉल मिल गया का यानी पहला एप्लीकेशन था दूसरा अलॉटमेंट तीसरा क्या था फर्स्ट कॉल अब कंपनी को जो फर्स्ट कॉल मिल गया तो अभी भी रिमेनिंग कितना बचा हुआ है कंपनी को लेना है 10 रुपीज में से रिमेनिंग 3 रुपीज है तो जो लास्ट में कॉल करती है तो उसके साथ क्या जुड़ता है फाइनल ओके तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी सेवेंथ एंट्री शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू जब कंपनी सेकंड फाइनल कॉल ड्यू किया तो अब क्या करेगी कंपनी जब ड्यू हो रही है तो फिर रिसीव हो रही है तो कंपनी क्या पे नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल being second and final call money received okay अब कंपनी के यहां पे मैक्सिमम ए एंट्रियां होती हैं यानी फर्स्ट एंट्री फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि फर्स्ट एंट्री क्या हुआ when एप्लीकेशन में रिसीव तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन रिसीव हुआ तो उसको कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है कैपिटल में तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ओके अब जब कैपिटल मिली अब कंपनी नेक्स्ट कॉल कौन से करती है अलॉटमेंट का तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू जब अलॉटमेंट ड्यू किया तो जब रिसीव कर रही है तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ओके अब जब अलॉटमेंट मनी जब कंपनी को रिसीव हो गई है अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही है कॉल कर रही है रिमेनिंग अमाउंट के लिए तो फर्स्ट नेक्स्ट एंट्री क्या होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ओके शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव सॉरी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू जब ड्यू किया तो फिर रिसीव करेगी तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव जब कंपनी ने रिसीव कर लिया तो अब रिमेनिंग जो सेकंड एंड फाइनल कॉल जो लास्ट में कॉल करेगी उसके साथ क्या आ जा रहा है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ओके शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू और फिर जब ड्यू किया तो फिर रिसीव करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव कंपनी जो भी कॉल लास्ट में करती है अगर सपोज कीजिए इस अमाउंट को कंपनी दो पार्ट में करती है टू और थ्री में तो ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट हो गया तो अब ये जो भी आएगा तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड कर सकते हैं सेकेंड कॉल और इसको क्या कर सकते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल उसमें क्या हो जाएगा सेकेंड की जगह पे क्या हो जाएगी थर्ड एंड फाइनल कॉल नेक्स्ट एंट्री में और फिर यहाँ पे भी थे थर्ड एंड फाइनल कॉल ओके अब इससे हम अब इसके आगे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ओके